बात करते हैं रीवा की, जहां अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालक छात्रावास क्रमांक 2 के शिक्षक एवं अधीक्षक पुष्पेंद्र तिवारी को छात्रावास से अनुपस्थित रहने और अनियमितता बरतने पर जिला संयोजक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधीक्षक को जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि छात्रावास के कक्ष क्रमांक 13 एवं 16 के छात्रों के द्वारा विद्युत वायर छील कर कटिया लगा के हीटर से भोजन बनाते छात्र पाए गए। इसमें छात्रों की सुरक्षा भी खतरे में थी। उन्होंने कहा कि पूर्व में निर्देशित करने के बाद भी छात्रावास में अप्रवेशित एवं बाह्य व्यक्ति पाए गए। अप्रवेशित छात्र कटिया से हीटर जोड़कर भोजन बनाते पाया गया, जबकि छात्रावास नियम 67 में छात्रावास में बाह्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। मामले में जिला संयोजक ने कहा कि छात्रावास के दूसरी मंजिल में छात्र छत में नहा रहे थे, जिसके कारण पानी खिड़कियों से गिर रहा था और इसे खिड़की को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अधीक्षक निरीक्षण के दौरान छात्रावास से गायब भी पाए गए। वहीं छात्रावास अधीक्षक को नियमित रूप से उपस्थित होकर व्यवस्थाएं सुचारू करनी चाहिए थी। रसोई कक्ष से लगे स्टोर रूम में कबाड़ भरा पाया गया। अधीक्षक के द्वारा पुरानी एवं खराब सामग्रियों की ना तो मरम्मत कराई गई और ना ही उसका अभिलेखन किया गया। छात्रों के द्वारा बताया गया कि अधीक्षक द्वारा छात्रों को नाश्ता भी नहीं दिया जा रहा। अधीक्षक के द्वारा मेस पालक समिति का गठन तक नहीं किया गया और ना ही बैठक आयोजित की गई। अधीक्षक के द्वारा मेस के आय व्यय की जानकारी नहीं दी गई। छात्रों को दिए जाने वाले खाने का मेन्यू तैयार नहीं किया गया। छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित कोचिंग तक नहीं दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज।